नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। मैंने हमेशा कहा है और मेरा पूरा विश्वास भी है कि टैक्ट इज इम्पोर्टेंट देन टैलेंट। आपका स्मार्ट होना ज्यादा जरूरी है कंपैरेटिवली नॉलेज वाला होना। सेम इज द केस विद स्पोकन इंग्लिश। आपसे कम इंग्लिश जानने वाले आपको स्मॉल फील करा जाते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट होते हैं, टैक्टफुल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, क्विक होते हैं एंड व्हाट नॉट। लेकिन मैंने भी अपने व्यूअर्स के लिए बेस्ट ट्रेनिंग वीडियोस देने की ठानी हुई है, और इस वीडियो में मैं आपकी और ज्यादा स्मार्ट बनने में हेल्प करूंगा। आप बस इन सेंटेंसेस को रट लीजिए। ये सेंटेंसेस आपके बार बार काम आएंगे। कब? जब आप किसी के घर या किसी की पार्टी में जाओगे, या फिर कोई आपके घर पार्टी में आएगा। आप इनकी प्रैक्टिस अपनी फैमिली में भी कर सकते हैं। मुझे भूख लगी है, आई एम फीलिंग हंग्री। यहां ध्यान रखना, मुझे भूख लगी है में आई एम फीलिंग हंग्री है, आई फील हंग्री नहीं है। आप क्या खाएंगे? What will you like to have? आपके पास कौन-कौन से फल हैं? Which fruits do you have? आपके पास कौन-कौन से अचार हैं? Which pickles do you have? आपके पास कौन-कौन सी आइसक्रीम है? Which ice creams do you have? आपके पास मीठे में क्या-क्या है? Which sweet dishes do you have? क्या आपने सुबह की चाय पी ली? Have you had your bed tea? क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? Have you had your breakfast? क्या आपने ब्रंच कर लिया? Have you had your brunch? ये ब्रंच ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच का जो खाना है, ये शब्द, ये वर्ड बना भी ऐसे है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच ब्रंच। क्या आपने दोपहर का खाना खा लिया? Have you had your lunch? क्या आपने शाम का डिंच खा लिया? Have you had your dinch? ऐसे ये डिंच भी डिनर एंड लंच के बीच का खाना है। कई लोग रात को लेट नहीं खाते हैं, शाम को कंप्लीट खाना खा लेते हैं, उसे हमने डिंच कहा है। क्या आपने शाम की चाय पी ली? हैव यू हैड योर इवनिंग टी? क्या आपने रात का खाना खा लिया? हैव यू हैड योर डिनर? हाँ मैंने खा लिया, या हाँ मैंने पी लिया, या हाँ मैंने ले लिया, यस आई हैड। अभी तक नहीं, नॉट येट। दोपहर का खाना तैयार कर लो, प्रिपेयर द लंच। आओ इकट्ठे खाना खाते हैं, लेट्स हैव लंच टुगेदर। जरा चख के तो देखो, जस्ट टेस्ट इट। नहीं, मैंने अभी कोई पार्टी अटेंड करनी है। नो, आई हैव टू अटेंड अ पार्टी। क्या अंकल अपना खाना खा चुके हैं? हैज अंकल फिनिश्ड हिज मील्स? जल्दी करो, खाना परोस दिया है। हरी अप, फूड हैज बीन सर्व्ड। मैं सॉफ्ट ड्रिंक से ज्यादा जूस पीना पसंद करता हूं। आई प्रेफर जूस टू सॉफ्ट ड्रिंक। आपने कुछ लिया ही नहीं, यू हार्डली हैड एनीथिंग। कुछ और लीजिए ना, हैव सम मोर। आप सिगरेट पीते हैं? डू यू स्मोक? आप चाय या कॉफी लेंगे? वुड यू हैव टी और कॉफी? आप क्या लेंगे? व्हाट वुड यू हैव? मुझे एक कप कॉफी दीजिएगा। गेट मी अ कप ऑफ कॉफी। और यहां पर आप बोल सकते हैं, ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी। आप कप में कॉफी डलवाना चाहते हैं तो कॉफी डालिए, पोर द कॉफी। शिष्टाचार के मुताबिक जब आप किसी को आवाज देके कुछ कहते हो, तो प्रेफरेबली आप एक्सक्यूज मी बोल के उसका जो ध्यान है अपनी ओर खींच के फिर आपने बात कहनी है। हे, चम्मच गंदा है। एक्सक्यूज मी, द स्पून इज नॉट क्लीन। हे, जरा अचार देना। एक्सक्यूज मी, पास द पिकल, या पास मी द पिकल प्लीज। थोड़ा और देना, ब्रिंग सम मोर, या फिर गेट मी सम मोर। प्लीज खुद अपनी प्लेट परोसिए, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। हे, जरा प्लेट्स को चेंज कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, चेंज द प्लेट्स प्लीज। आप शाकाहारी हैं? आर यू अ वेजिटेरियन? यस आई एम अ वेजिटेरियन। और यस आई एम। और अगर आप नहीं हैं तो नो आई एम नॉट अ वेजिटेरियन, या फिर नो आई एम नॉट। आर यू अ नॉन वेजिटेरियन? क्या आप मांसाहारी हैं? यस आई एम ए नॉन वेजिटेरियन, या फिर यस आई एम। हां मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, मैं मांसाहारी हूं।
और अगर आप मांसाहारी नहीं है तो आप बोलोगे नो आई एम ए वेजिटेरियन या फिर नो आई एम नॉट, आज मैं बाहर खाना खाऊंगा, आई डाइन आउट टूडे या फिर आई हैव माई डिनर आउट टूडे। क्या आप गर्म दूध लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक सम हॉट मिल्क या फिर वुड यू लाइक टू हैव सम हॉट मिल्क? मैं मछली नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट फिश। और अगर आपने बोलना है कि मैं मछली का शौकीन नहीं हूँ, मतलब आप मछली खा सकते हो लेकिन मछली के शौकीन नहीं हो, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फिश। तीन परौंठे मेरे लिए काफी नहीं है, थ्री परौंठास आर नॉट इनफ फॉर मी। तीन परौंठे मेरे लिए काफी नहीं थे, थ्री परौंठास वर नॉट इनफ फॉर मी। भरवा करेला मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, भरवा करेला इज माय फेवरेट डिश। भाई क्या क्या बनाया भाई? What dishes are cooked today? अपनी मॉम से थोड़ा नमक लाना, bring a pinch of salt from your mom. यहाँ पर केवल अंडे ही मिलते हैं, eggs is all we get here. उसने मुझे रात के खाने पे बुलाया है, he has invited me to dinner. कमाल है, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, wow, you are an expert cook. कमाल है, भाभी जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, wow, भाभी जी is an expert cook. मुझे लगता है कि अगर आप इन सेंटेंसेस का रट्टा लगा लो तो आपको कभी भी स्मॉल फील नहीं होगा, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के घर जाओगे एंड दूसरों को अपने घर बुलाओगे एंड अपनी प्रेजेंस फील कराओगे। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वैसे मुझे अच्छी लगी है, शेयर भी कर देना। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।